सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगे की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी का अपने चैनल एम के एडू एंटरटेन्स पे स्वागत करता हूँ। और आइए डिस्कस करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स जो कि हमारे फूड का बहुत ही एक एसेंशियल पार्ट है और बैलेंस डाइट के लिए विटामिन्स का होना फूड में बहुत कंपलसरी है। तो आइए हम विटामिन्स के बारे में डिस्कस करें। जितनी विटामिन्स होती हैं उनका जो साइंटिफिक नेम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उनसे उनकी जो डेफिशिएंसी डिसीज है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में 1, 2 या 3 क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो आइए 1 by 1 डिस्कस करना शुरू करते हैं एक एक विटामिन को। और रिसेंटली मैं आपको वाकया बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ, जो हमारा जो AIPMT का एग्जाम होता है, AIPMT या फिर इसको नीट का एग्जाम बोलते हैं, नीट, तो ये जो एग्जाम होता है मेडिकल के लिए, इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, विच, ऐसे करके क्वेश्चन था, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय विटामिन सी, ऐसे करके कि विटामिन सी से कौन सा डिसीज होता है। और उसमें ऑप्शन थे स्कर्वी था, बेरीबेरी था, बेरीबेरी, रिकेट्स था और नन ऑफ दीज था। रिकेट्स भी था एक ऑप्शन और एक ऑप्शन था आपका नन ऑफ दीज। तो ऐसे करके A, B, C, D। और क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, विच डिसीज कॉज्ड बाय विटामिन सी। तो विच डिसीज कॉज्ड बाय विटामिन सी, ऐसे करके क्वेश्चन था और ऑप्शन ये थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो आंसर किया वो आपका स्कर्वी कर दिया, क्योंकि विटामिन सी से स्कर्वी डिजीज होता है। लेकिन ऑप्शन जो था उसका जो करेक्ट आंसर था वो मैं आपको बता देता हूँ, वो नन ऑफ दीज था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क था। क्वेश्चन पूछ रहा था कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी से तो कोई रोग नहीं होता, विटामिन सी की कमी से, डेफिशिएंसी से। अगर ये पूछता विटामिन सी की कमी से विच डिसीज इज कॉल्ड बाई डेफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, तो आपका ऑप्शन जो था विटामिन ए, जो ए ऑप्शन था इसका भी वो बिल्कुल राइट था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी, उसमें से डेफिशिएंसी जो वर्ड है उसको निकाल दिया गया, तो इस वजह से जो आंसर है वो नन ऑफ दीज हो गया। तो ये क्वेश्चन, बहुत स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन गलत किया था, तो आपको भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में नोट लगा होता है या फिर कोई वर्ड है वो आपको दिखाई नहीं देता, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसी के बाद आंसर टिक करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले विटामिन के बारे में, 1 by 1, कौन सा विटामिन होते हैं, कौन से विटामिन की कमी से डेफिशिएंसी डिसीज कौन सा होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो सबसे पहला जो विटामिन है वो है हमारा विटामिन ए, विटामिन ए। और विटामिन ए का अगर साइंटिफिक नाम मैं बताऊं तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी या फिर जरब थैलमिया, ये डिसीज होता है। तो ये बहुत पूछा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वाले भी लिख लेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ऑब्लिक, अब ये नाम पूछा जाता है कि जेरोथर्मिया जो डिसीज है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछ रहा है और भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम याद करके रखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जबकि ऑप्शन में नाइट ब्लाइंडनेस होता ही, तो जेरोथर्मिया होगा। ये हो गया। अब हम विटामिन बी की बात करें, तो विटामिन बी को मैंने अलग अलग क्लासिफाई करके बताऊंगा। तो विटामिन बी की बात करें तो सबसे पहले मैं विटामिन बी वन को डिस्कस करूंगा। तो विटामिन बी वन है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है आपका थायमिन, थायमिन। थायमिन
थायमिन विटामिन बी वन का साइंटिफिक नेम हो गया। इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी 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 डिसीज होता है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं विटामिन बी वन के बारे में, जो चावल होता है उसको बार बार धोने से जो विटामिन डेस्ट्रॉय होता है नष्ट हो जाता है वो विटामिन बी वन ही होता है चावल को बार बार धोने से। तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन बी वन। अब मैं विटामिन बी टू की बात करूं, विटामिन बी टू की बात करें तो साइंटिफिक नेम इसका होगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री की बात करें, बी थ्री इंपोर्टेंट है, इसका नाम याद रखेंगे। इसका डेफिशिएंसी डिसीज इतना इंपोर्टेंट नहीं है, जिसका इंपोर्टेंट है वो मैं आपको लिखा दूंगा और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा जितना मैं बता रहा हूँ, ये गारंटी है। तो विटामिन बी थ्री की बात करें तो नायसिन, नायसिन इसका नाम हो गया साइंटिफिक नेम। विटामिन बी फोर इंपोर्टेंट नहीं है, विटामिन बी फाइव की बात करें पेंटोथेनिक एसिड, साइंटिफिक नेम हो गया। आगे बात करते हैं विटामिन बी सिक्स बी सेवन बी नाइन बी ट्वेल्व, इनकी बात डिस्कस करते हैं इनके बारे में। देखिए आगे विटामिन बी सिक्स की बात करें तो बी सिक्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पायरोडिक्सिन, पायरोडिक्सिन। विटामिन बी सेवन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है बायोटिन, विटामिन बी नाइन की बात करें तो विटामिन बी नाइन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका फॉलिक एसिड। विटामिन बी नाइन के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको वीकनेस के दौरान कौन सी विटामिन की टैबलेट्स हैं वो दी जाती हैं, तो वो है आपकी विटामिन बी नाइन, जिसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। विटामिन बी ट्वेल्व की बात करें, बी ट्वेल्व की बात करें तो साइंटिफिक नेम होगा साइक्लोकोबालामाइन, साइक्लोकोबालामाइन। तो ये ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट और अमीन जो ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप होता है NH2, यानी कि नाइट्रोजन दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, कोबाल्ट और नाइट्रोजन, साइक्लोकोबालामाइन, जिसका साइंटिफिक नेम है विटामिन B12। और डिसीज इसका देख लेते हैं तो इसका डिसीज है आपका पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया मीन्स पर्नीशियस मतलब हार्मफुल, मोर हार्मफुल आप समझ सकते हैं, मोर हार्मफुल हो गया पर्नीशियस। और एनीमिया यानी कि खून की कमी से जो रोग होता है एनीमिया, स्पेलिंग याद रखेंगे ANAEMIA, ये स्पेलिंग हो गई पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12, ये आपका विटामिन बी यहीं तक है। तो हमने B1 की बात करी, B2 की बात करी, B3, B5, B6, B7 और B9 एंड B12। अब हम बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी। तो सबसे पहले जो विटामिन सी है क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसका सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ हमें विटामिन सी मिल सकता है। तो विटामिन सी जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी सोर फ्रूट्स हैं, सिट्रिक फ्रूट्स हैं, साइट्रिक फ्रूट्स हैं, उनमें मिलता है। जितने भी रेसे वाले फल हैं, जैसे आपका मौसमी हो गया, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, तो उसमें आपको विटामिन सी मिलेगा। नींबू हो गया, जितने भी रेसे वाले फल हैं या फिर सब्जियां हैं, तो उनमें विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी की जो कमी है उससे कौन सा, उसका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं पहले, इसका जो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी काफी पूछा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विनेगर, विनेगर में भी विटामिन सी मिलेगा आपको, सिरका जो होता है। और इसका जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो है आपका स्कर्वी, और स्कर्वी की अगर
आप लक्षण देखें इसके, कैसे पता चलता है कि स्कर्वी हुआ है, तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स इसका काफी अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि किसी जो भी किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म में, कोई भी जो इंसान है उसको विटामिन सी की कमी है। अगर उसके ब्लीडिंग ऑफ गम्स वगैरह हो रहा है, उसके दांतों में खून आ रहा है, ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि विटामिन सी की कमी है। आगे देखते हैं विटामिन डी, ई और के। तो विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी तो इसका साइंटिफिक नेम होता है आपका कैल्सीफेरल, कैल्सीफेरल, कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम हो गया। डेफिशिएंसी डिजीज होगा वो आपका रिकेट्स होगा, रिकेट्स। रिकेट्स के कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं तो इसमें जो हड्डियां हैं वो बहुत कमजोर हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, और बच्चों में देखने को मिलता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत देखने को मिलता है रिकेट्स। नेक्स्ट बात करें विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है, जो मेन सोर्स का है, तो वो है आपका सनरेज। जो सनरेज होती है सूर्य की किरणें, उनमें सबसे ज्यादा आपको विटामिन डी मिल जाती है। विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई जिसका दूसरा नाम है ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन यानी कि आपको अगर सुंदरता चाहिए तो आपको विटामिन ई की बहुत ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। विटामिन ड्यूटी विटामिन के नाम से कौन सी विटामिन जानी जाती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो विटामिन ई। इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरल, टी ओ सी ओ एफ ई आर ओ एल, टोकोफेरल एफ ई आर ए एल। और इसका जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो आपके दो तीन डिजीज में बता देता हूँ। एक तो आपके स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर इसकी कमी हो जाती है तो, स्किन डिजीज है। एक आपका है क्रॉन्स डिजीज हो जाता है आपको। एक है आपका कोलेस्टेसिस, नेक्स्ट है आपका विटामिन के। तो विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका फाइलोक्विनोन, इसका जो डिजीज है डेफिशिएंसी डिजीज वो आपका है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो खून का थक्का जम जाता है अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन के की। यानी कि अगर आपके चोट लग जाए तो आपका जो खून है वो आपका बहता नहीं है, वहीं वहीं जमना शुरू हो जाता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये हमने विटामिन की बात करी। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं कि कौन से विटामिन वाटर सॉल्यूबल होते हैं इनमें से। ए बी सी डी ई के में हमने देखा उनके साइंटिफिक नेम देखे, डिजीज देखे, अब देखते हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं और फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं, तो देखते हैं आगे। तो मैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन की बात करूं, पानी में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपको याद रखना है स्ट्रिप के माध्यम से, डब्ल्यू बी सी। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, उसमें डब्ल्यू आता है, बी आता है, सी आता है। तो डब्ल्यू यानी कि वाटर सॉल्यूबल, बी कॉमा सी यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन सी है तो आपको डब्ल्यू बी सी याद रहना चाहिए कि डब्ल्यू बी और सी, यानी कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी होगी, बी और सी। और इनके अलावा जितना भी रिमेनिंग विटामिन है वो आपका फैट सॉल्यूबल है, यानी कि फैट में घुलनशील होती हैं। तो कौन सी हैं उनमें देख लेते हैं, ए है, डी है, ई है, बी सी आ गया इसमें, ए डी ई के। तो ये आपकी हो गई फैट सॉल्यूबल विटामिन। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको चार विटामिन के नाम दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि कौन सी आपकी वाटर सॉल्यूबल है और कौन सी आपकी फैट सॉल्यूबल है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। तो एक बार मैं आपको रिवाइज और करा देता हूँ कि कौन सी विटामिन से कौन सा डिजीज होता है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो आपको मेरे साथ ही बोलते जाना है। विटामिन ए की बात करें हम, तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका मैंने क्या बताया था, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम हो गया रेटिनॉल, प्लस उसका डेफिशिएंसी डिजीज हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी या फिर जेरोप्थेल्मिया।
तो ये आपका विटामिन ए के बारे में बात करी। विटामिन बी वन की बात करें तो बी वन की जो साइंटिफिक नेम है वो बी वन का साइंटिफिक नेम वो हो गया आपका थायमिन, उसकी कमी से जो रोग होता है डेफिशियंसी डिजीज हो गया आपका बेरी बेरी। चावलों को ज़्यादा धोने से जो विटामिन नष्ट हो जाता है वो विटामिन बी वन है जिसका साइंटिफिक नेम है थायमिन। विटामिन बी टू की बात करें तो विटामिन बी टू की अगर बात करें तो राइबोफ्लेविन आपका साइंटिफिक नेम हो गया और इसका डेफिशियंसी डिजीज मैंने नहीं बताया, इंपोर्टेंट भी नहीं है। विटामिन बी थ्री की बात करें तो नायसिन। विटामिन बी फाइव की बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड, बी फोर की जरूरत नहीं है। विटामिन बी फाइव हो गया पेंटोथेनिक एसिड, बी सिक्स हो गया आपका पायरोडिक्सिन साइंटिफिक नेम, बी सेवन बायोटिन हो गया। बी नाइन की बात करें तो फॉलिक एसिड, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको वीकनेस के दौरान फॉलिक एसिड की टैबलेट्स हैं वो दी जाती हैं, तो विटामिन बी नाइन की बात हो गई। बी ट्वेल्व की बात करें तो साइंटिफिक नेम हो गया साइक्लोकोबालामाइन, साइक्लोकोबालामाइन नाम हो गया, प्लस उसका जो डेफिशियंसी डिजीज है वो आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोकोबालामाइन आपका साइंटिफिक नेम हो गया, डेफिशियंसी डिजीज आपका पर्नीसियस एनीमिया हो गया, पर्नीसियस एनीमिया। विटामिन सी की बात करें तो खट्टे फलों में पाया जाता है, जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनमें प्लस वेजिटेबल्स, तो विटामिन सी साइंटिफिक नेम हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड, साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, और उसकी जो कमी से रोग होता है वो स्कर्वी हो गया जिसमें ब्लीडिंग इन गम्स होती है, यानी कि मसूड़ों में आपका खून आना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स, इससे रोग होता है इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है जिसमें जो हड्डियाँ हैं वो आपकी फ्लेक्सीबल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका है कैल्सीफेरल। विटामिन ई की बात करें, ब्यूटी विटामिन सेकंड नेम है इसका, अदर नेम ब्यूटी विटामिन है, और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो मैंने तीन रोग बताए थे, कोलेस्टेसिस, क्रोन्स डिजीज और आपका स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बहुत सारी, और इसका जो साइंटिफिक नेम है विटामिन ई का वो आपका हो गया टोकोफेरल, TOCOPHERAL, तो ये आपका टोकोफेरल नाम हो गया। विटामिन के की बात करें तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, यानी कि खून का थक्का जमने, रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाता है, यानी कि रक्त बहता नहीं है, और विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका फाइलोक्विनोन है। और लास्ट में हमने बात करी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं WBC से हमने याद किया, यानी कि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, और WBC का बायोलॉजी में एक और नाम है जो है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। और फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो इनको छोड़ के बी और सी को छोड़ दो, ADEK, ये क्या हो गए आपके फैट सोल्यूबल विटामिन, तो इनकी बात करी मैंने। तो इसी के साथ इस वीडियो को, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही था, और इससे मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपको अश्योर करता हूँ कि इससे आपको एक दो क्वेश्चन आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी है, और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। धन्यवाद।